हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल वाला आइकन भी थोड़ा सा प्रेस करके रखना। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आप आपका खुद एक बिजनेस ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको कोई भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर से एक होस्टिंग परचेस कर लेना है। उसके बाद होस्टिंग परचेस करके आप लोग वहां पर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप लोग को आई थिंक सी पैनल मिल जाएगा। तो सी पैनल पे लॉगिन करने के बाद आपके पास एक ऐसे करके एक इंटरफेस आएगा। ओके, उसके बाद ईमेल सेक्शन के अंदर देखो, यहाँ पर फर्स्ट में ईमेल सेक्शन है। ईमेल सेक्शन के अंदर आप लोग को और एक ऑप्शन मिलेगा, ईमेल अकाउंट्स। इस ऑप्शन के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बहुत सारा ईमेल आईडी है, हम मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। तो हम लोग न्यू एक ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए राइट में जाएंगे, और यहाँ पर एक क्रिएट बटन आप लोग को मिल जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा डोमेन के अंदर आप आपका ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, हम लोग करेंगे माई स्मार्ट कूपन डॉट इन, इसके अंदर हम लोग बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। तो ये इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यूजर नेम आप लोग को डालना होगा, तो हम लोग डाल देते हैं बिजनेस बिजनेस। ठीक है, ओके। तो ईमेल आईडी कैसे होगा, बिजनेस एट द रेट बाई स्मार्ट कूपन डॉट इन, ऐसे करके एक ईमेल आईडी आपको आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे। तो पासवर्ड हम लोग डालते हैं एडमिन एट द रेट #1235। एक बार देख लेते हैं क्या डाले, 1 2 3 4 5। इसको एक बार कॉपी करते हैं और एक नोटपैड में सेव करके रखते हैं। ठीक है, चलो करके रख दिया। उसके बाद फिर से हम लोग ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ से और कुछ नहीं करेंगे, क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर ईमेल आईडी क्रिएट हो गया, बिजनेस एट द रेट माई स्मार्ट कूपन डॉट इन। ठीक है, उसके बाद राइट में आना है और यहाँ पर एक बटन दिख रहा है एक ईमेल, इस बटन के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। ओके, यहाँ से आप लोग को मैनेज योर इनबॉक्स इस सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा फॉरवर्डर्स। ठीक है, इस ऑप्शन के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ऐड फॉरवर्ड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड फॉरवर्ड के अंदर यहाँ पर हम लोग कौन सा ईमेल आईडी में इसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मेरा कुछ पर्सनल का एक जीमेल आईडी है उसको डाल देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, देन क्लिक करेंगे ऐड फॉरवर्ड बटन के ऊपर। ओके, यहाँ पर देखिए ऑल ईमेल सेंड टू बिजनेस एट द रेट माई स्मार्ट कूपन डॉट इन विल नाउ बी कॉपीड टू roy.arup914@gmail.com। ठीक है, वह गो बैक बटन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग कोई भी एक रैंडम ईमेल जीमेल आईडी ओपन करते हैं। ठीक है, वहां से कॉम्पोज मेल करेंगे, यहाँ से हम लोग एक मेल करेंगे, कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग बिजनेस मेल क्रिएट किया था यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और दूसरा एक जीमेल आईडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ से टू के जगह इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग लिख देते हैं हेलो हेलो रॉक। ठीक है, हेलो रॉक दे दिया, इसको इस सब्जेक्ट को कॉपी करके बॉडी के अंदर भी दे देते हैं। ठीक है, देन हम लोग सेंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, अभी हम लोग जाएंगे जो ईमेल आईडी हम लोग फॉरवर्डर में हम लोग डाले थे उस ईमेल आईडी को हम लोग ओपन करेंगे। तो उसको एक बार ओपन करते हैं, ईमेल को ओपन करते हैं, कौन सा फॉरवर्डर में डाले थे हम लोग, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, roy.arup914। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा roy.arup914@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर अभी तक तो भी यहाँ पर देखो आ गया, थोड़े गेमर्स से हेलो रॉक बोल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ से
इस ईमेल आईडी से हम लोग मेल किया था, Aurop90@voice से हम लोग किया था, ठीक है, यहाँ से हम लोग किया था। तो कहाँ से आया है, business@mysmartcoupon, ठीक है, बिजनेस मेल से हम लोग के पास यहाँ पर आ गया। कौन सा मेल आईडी पे, यहाँ पर ये फॉरवर्ड हुआ इस यहाँ पर, ठीक है, एक काम हो गया। ओके, पहले इस मेल आईडी पे एक बार रिप्लाई भी दे देते हैं हम लोग। हेलो डॉक, तो हेलो फोर, हेलो फोर गेमर्स, देन सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर, ठीक है, फोर गेमर्स में हम लोग जाते हैं। फोर गेमर्स में हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। देखो यहाँ पर हेलो डॉक बोल के एक ईमेल रिप्लाई भी आ गया, ठीक है। तो कहाँ से आया, ये आया है roy.aurop914 से आया है, ठीक है, क्यों आया है, मेरा जीमेल एड्रेस ईमेल आईडी से नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोग जीमेल पे मेरा जो बिजनेस मेल है उसको सेटअप करेंगे। तो फिर से हम लोग इस जीमेल पे आएंगे, roy.aurop914 मेल पे आएंगे, और यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा एक सेटिंग्स का जो एक आइकॉन, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद सी ऑल सेटिंग्स, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को जाना होगा अकाउंट्स एंड इंपोर्ट, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे सेट सेंड ईमेल एज, ठीक है, यहाँ से देखिए ऐड अनदर ईमेल एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग, हम लोग जो ईमेल आईडी ऐड करेंगे उसका नेम डालेंगे। तो यहाँ से इसका नाम हम लोग डालते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको डाल देते हैं, ठीक है, नाम दे दिया ये बार। और यहाँ पर ईमेल आईडी कौन सा डाल हम लोग ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, बिजनेस मेल जो हम लोग क्रिएट किया था इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, जो ईमेल आईडी हम लोग ऐड करेंगे जीमेल के अंदर, ठीक है, उसको यहाँ पर डालना, नेम डाल दिया और ईमेल आईडी भी डाल दिया। देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट एक बटन के ऊपर, ठीक है, फिर से ओके। उसके बाद एसएमटीपी सर्वर, ठीक है, तो एसएमटीपी सर्वर हम लोग को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। यहाँ पर हम लोग सब कुछ डिटेल्स हम लोग को मिल जाएगा कहाँ पर, हम लोग फिर हम लोग जाएंगे हम लोग का तो जहाँ पर ईमेल आईडी क्रिएट हुआ है, यहाँ पर यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे चेक ईमेल के ऊपर फिर से, ठीक है, चेक ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग को नीचे जाना है अदर वेब मेल फीचर्स, उसके अंदर कॉन्फिगर मेल क्लाइंट, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा सब डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या डालना होगा, यहाँ पर एसएमटीपी सर्वर, यहाँ से एसएमटीपी सर्वर, यहाँ से सिर्फ नाम होगा, डोमेन का नेम होगा, ठीक, डोमेन का नेम डालना है। उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम यहाँ पर कौन सा है, business@mysmartcoupon.in, इसको कॉपी करेंगे और यूजर नेम के जगह इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड कौन सा होगा, जो पासवर्ड हम लोग जब ईमेल आईडी क्रिएट करने के टाइम पे हम लोग सेट किया था, तो हम लोग इस यहाँ पर नोट करके रखे थे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको डाल देते हैं, ठीक है। पोर्ट, पोर्ट हम लोग कौन सा देंगे, 465, 465 हम लोग डालेंगे, 465 यहाँ पर हम लोग पोर्ट को डालेंगे। देन हम लोग ऐड अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक ऑथेंटिक, यहाँ से एक ऑथेंटिकेशन मेल जाएगा, ठीक है, वहां पर एक कोड जाएगा, कहाँ पे जाएगा, business@mysmartcoupon के अंदर मेल पे जाएगा, ठीक है। चलो उस मेल को हम लोग ओपन करते हैं, उस मेल को ओपन करने के लिए हम लोग roy.aurop914 ओपन करने से ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आएगा तो गूगल टीम से एक मेल यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग को एक कोड मिलेगा, ओपन करते हैं, ओके, जीमेल टीम से एक मेल आ गया, कॉन्फर्मेशन मेल, और यहाँ पर कॉन्फर्मेशन कोड भी हम लोग को मिल गया, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग को इसको डाल देना है, पेस्ट करते हैं और वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। अब अभी फिर से हम लोग इस सेटिंग्स बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, देखते हैं यहाँ पर
वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। अकाउंट चेंज इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखो यहाँ पर ऐड भी हो गया, बिजनेस एट द रेट माई स्मार्ट कूपन डॉट इन, यहाँ पर ऐड भी हो गया ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से एक मेल करेंगे, कॉम्पोज मेल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर दो ईमेल आईडी दिख रहा है ठीक है, roy.arup914 और business@mysmartphone.in, यहाँ पर आ गया। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग कोई भी एक मेल पे चलो मेल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फोड़े गेमर्स भी करते हैं ठीक है। और यहाँ से हेलो फोड़े गेमर्स इसको कॉपी करते हैं, बॉडी में इसको डालते हैं और सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके मेल चला गया। अभी हम लोग फोड़े गेमर्स में हम लोग जाते हैं, एक बार मेल को ओपन करते हैं। ओके देखो फोड़े गेमर्स में मेल भी आ गया ठीक है, माय स्मार्ट कूपन से हेलो गेमर्स ठीक है, यहाँ पर भी आ गया। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो बिजनेस मेल है उसे हम लोग डिफॉल कर देंगे। फिर से हम लोग सेटिंग्स आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स इनपुट के यहाँ पर जाएंगे और इस मेल को बिजनेस मेल को हम लोग मेक डिफॉल्ट कर देंगे ठीक है। ओके डिफॉल्ट कर दिया। फिर से हम लोग कॉम्पोज मेल जाए में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट होकर रखा है ठीक है, बिजनेस एट द रेट और जो मेरा वो ईमेल आईडी है डिफॉल्ट ये वाला ही है ठीक है। ओके दैट्स इट, टाटा बाय बाय, स्टे होम।